आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप RCC कॉइन को कैसे बाय कर सकते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कहां से फाइंड कर सकते हैं, उसको बाय कैसे कर सकते हैं, सेल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, RCC को अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर या कोई भी वॉलेट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आपने ऐड करना होता है। अब उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले आपने गूगल पर चले जाना है। यहाँ पर आपने लिखना है डेक्स टूल आपने यहाँ पर लिखना है dextool.io आपने लिखना है और इसको आपने सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद इस तरह का आपके पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉइन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो ऊपर आपको सर्च बार नज़र आ रहा है, ये सर्च बार के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है RCC। मैं आपको करके बताता हूँ। RCC को जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे काफ़ी सारे कॉइन्स, आपने इनको नीचे करना है, देखना है। यहाँ पर आपको रियल्टर्स कम्युनिटी कॉइन, अब ये देखिए ये आपको रियल्टर्स कम्युनिटी कॉइन आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपने टैप करना है। यहाँ पे आपको इसका रेट भी शो हो रहा होगा, आपको लिक्विडिटी भी शो हो रही होगी, आपको उसका ग्राफ भी शो हो रहा होगा। आपने सबसे पहले इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस निकालना है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस निकालने के लिए ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपको ये एक लोगो नज़र आ रहा है, आपने इस पर सिंपल टैप कर लेना है। ये आपको BSC स्कैन पर ले जाएगा। अब इसको आप नीचे करेंगे, यहाँ पे इसके होल्डर ट्रांजेक्शन आपको सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होगी। ये जो लिखा हुआ है ये है टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, इसको आपने कर लेना है कॉपी, यहाँ से कॉपी कर लेना और इसके बाद आपने ऐड करना है इसको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। जैसे ये मेरा ट्रस्ट वॉलेट ओपन हुआ है, आपने क्या करना है, ये जो टॉप पे राइट पे आपको नज़र आ रहा है इस पर आपने टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे ये जो प्लस का निशान है इसको आपने टैप करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐड करना है। अब इथेरियम नेटवर्क है, इसको आपने BNB स्मार्ट चेन नेटवर्क करना है और वो जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपने यहाँ से निकाला था उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये देखिए रियल्टर कम्युनिटी कॉइन RCC.8, इसको आपने सिंपल सेव कर देना है। उसके बाद आप इसको बाय कैसे कर सकते हैं, बाय करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ नीचे आपको ब्राउज़र नज़र आ रहा है, आपके पास सबसे पहले BNB स्मार्ट चेन होना चाहिए। BNB स्मार्ट चेन जैसे ये देखिए, ये मैंने अभी तकरीबन $610 का BNB स्मार्ट चेन है, मैं आपको इसका बाय करके बताता हूँ। BNB स्मार्ट चेन बाइनेंस का जो कॉइन है उसको कहा जाता है। BNB नहीं चाहिए आपको, BNB स्मार्ट चेन चाहिए। आपने क्या करना है, ब्राउज़र पर चले जाना है। ब्राउज़र पर जाने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है PancakeSwap। PancakeSwap को आपने सिंपल यहाँ पे सर्च करना है। ये आपको नज़र आ रहा है ये वाला लोगो, इसको आपने टैप कर लेना है। आपको एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपने अपने वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करना है। ये देखिए आपको कनेक्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इधर से आपने कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद ये देखिए इधर ट्रस्ट वॉलेट है, आपने सिंपल इसको कनेक्ट कर लिया। मेक श्योर रहे यहाँ पे जो नेटवर्क है ये आपको नज़र आ रहे हैं BNB, इथेरियम, पॉलीगॉन, आपका यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन नेटवर्क होना चाहिए। वो जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको कॉपी करवाया था उसका आपने क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड पे आपने चले जाना है। ट्रेड पे जाने के बाद ये देखें आपका ऊपर BNB और नीचे K कॉइन है। BNB को आप स्वाइप कर सकते हैं K कॉइन के अंदर, मतलब जो आपके पास ऊपर है वो स्वाइप होगा नीचे वाले कॉइन के अंदर। अब ये K कॉइन है, यहाँ पे आपको जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस निकलवा के दिया था ये BNB स्मार्ट चेन का, इसको आपने सिंपल दोबारा से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपने इसको सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे ये RCC कॉइन आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम इसको कर लेना है कि जो भी हमने इसको बाय करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलमोस्ट $609 बन रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको तकरीबन ये कुछ डॉलर 1-8 डॉलर मैं रख रहा हूँ जो मुझे ट्रांजेक्शन फ़ीस के लिए जो मेरा इस्तेमाल होगा बेसिकली उसके लिए मैं ये रख रहा हूँ। यहाँ पर आप मैक्सिमम भी कर सकते हैं लेकिन आप कोशिश करें कि 1-8 डॉलर आप कम रखें इसको। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये आपको जो स्लिपरेज टॉलरेंस फीस है ये आपकी 0.1 हो जाए। अब ये कहाँ से सेट होती है, ये यहाँ ऊपर से सेट होती है, ये जो सेटिंग का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इस सेटिंग को आपने टैप करना है तो आपको इसके ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे अगर 0.1 पे नहीं हो रही तो आप 0.5 भी कर सकते हैं, 0.1 पे भी बाद टाइम हो जाती है, मैक्सिमम 0.1 पे हो जाती है। आपने इसको क्या कर लेना है, स्वाइप कर लेना है। सिंपल हम इसको स्वाइप कर लेते हैं, ये हम कन्फर्म कर लेते हैं, ये देखें। अब ये देखिए अब इसको ये हमारा स्वैप हो गया। अब ये देखिए ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है। अब इसको हम पीछे जाके देखते हैं कि क्या हमारा स्वैप हुआ। ये देखिए ये हमारे BNB जा चुके हैं और हमारे पास RCC, ये देखें हमारे पास RCC कॉइन आ चुका है। बेसिकली इस तरह आप RCC कॉइन को बाय कर सकते हैं।